नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील तिवारी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डिकोडिंग स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैं ट्रेड लिया था उसका लॉजिक क्या था, क्यों मेरा एसएल हिट हुआ, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ, कितने बजे मैंने ट्रेड लिया था। ऑर्डर में चलते हैं तो मैंने 10:15:27 पे पहला ट्रेड लिया था। उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ट्रेड लिया था। तो इन सारी चीजों का भी हम चार्ट पे चल के समझते हैं। बैंक निफ्टी का मैं अगर 5 मिनट का चार्ट, टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करूं तो यहां से आप देखने की कोशिश करेंगे। यहां पे बैंक निफ्टी आज ओपन होता थोड़ा सा गैप अप, उसके बाद सस्टेन नहीं होता, डाउन साइड का एक मूव कंटिन्यू करता है। यहां पे देखेंगे तो बार बार बैंक निफ्टी ने यहां पे सपोर्ट लिया है 43,100 के लेवल पे, दो एक बार, दो बार और तीन, आपकी बार चौथी बार। यहाँ पे मेरा जनरली प्लान था, मैंने एक ट्रेड कॉल साइड में लेने का पूरा व्यू बनाया था, लेकिन वो लिमिट लगाई थी तो 2 रुपए पहले से ही ट्रेड यहाँ से अप साइड में चला गया। मेरा जो है ऑर्डर पेंडिंग रह गया, इस वजह से ये ट्रेड मिस हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे 50% का लेवल था, लेकिन एक बाइंग मोमेंटम में मैं यहाँ से भी इसको शॉर्ट करने का प्लान किया था, लेकिन इतना तेज बाइंग मोमेंटम था मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैं एक ट्रेड यहाँ पे लिया 10:15, इस कैंडल पे मैंने 10:15:17 पे यहाँ पे ट्रेड लिया। लॉजिक क्यों था, क्या था रीजन, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक इतना बड़ा अप मूव देने के बाद यहाँ पे जब ओपन हुई थी तो यहाँ से एक गिरावट देखने को मिली। तो मेरा व्यू ये था कि ये जो मूव लगा है इसका 50% हमको रिट्रेस मिल जाएगा, तो उसी रिट्रेसमेंट पे या प्रॉफिट बुकिंग पे मुझको प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरा इसमें जो एसएल था, मैं 14 पॉइंट का था, वो एसएल हिट हुआ। अब मेरा बैंक निफ्टी में जो व्यू है, ये बैंक निफ्टी अब साइड में मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रजिस्टेंस जहाँ पे फेस कर रहा है 43,380 के ऊपर अब की बार निकलता है तो बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट होंगे अप साइड में वो होंगे 43,440 का। अगर 43,440-450 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको, आप लोगों को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न आपको दिख रहा होगा। इसकी जो नेकलाइन है वो 43,450 के पास, अगर ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 43,800 का 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और डाउन साइड में अगर 43,080 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको डाउन साइड देखने को मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम का यूज मैंने क्यों किया, क्योंकि एक छोटा छोटा स्कैल्प बन छोटे ही टाइम फ्रेम पे किया जा सकता था। तो अब यहां से व्यू ये होगा कि यहां पे जहां पे मैंने ट्रेड लिया था, यहां पे एक लाइन भी मैं ड्रॉ किया हूं। यहां पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऊपर से ये कैंडल आप देखेंगे तो एक हैमर टाइप की कैंडल है, इसका लो भी ब्रेक हुआ। और लो ब्रेक होने के बाद जब अपसाइड में थोड़ा सा इसका 50% रिट्रेस हुआ, तो यहीं कहीं मैंने अपना ट्रेड लिया था 10:15:17 पे। बहुत छोटा सा एसएल था, 14 पॉइंट का एसएल था और टारगेट मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% इसका था, जो मूव लगा था उसका 50% 43,250 के पास। लेकिन अब ये अपसाइड में कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। अगर डाउन साइड में बैंक निफ्टी आता भी है तो अब 43,300 को एक बार सपोर्ट लेगा, फिर अपसाइड में जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड का मूव कंटिन्यू कर सकता है। अप साइड में मुझको बहुत ज्यादा बिलीव नहीं हो रहा है अप साइड के मूव में, क्योंकि ये कंटिन्यू अप साइड में चलता चला जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा चौपी होते चले जा रहे हैं। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो रजिस्टेंस है वो है 43,440 का। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने ट्रेड लिया था। तो आशा करता हूँ लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।